हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है और बेटी के टिफ़िन के लिए तैयारी हो रही है। उसके लिए मैंने पराठे बनाए हैं और साथ में चाय वगैरह बन गई हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा नाश्ता कर लिया है और बेटी को स्कूल छोड़ के भी मैं आ गई हूँ। और फिर मैं गई थी बाहर, उधर ही स्कूल साइड में ही किराने का शॉप था, तो उधर से मैं छाछ लेके आई हूँ। क्योंकि आज सब्जी बन रही है भिंडी की, और भिंडी की सूखी सब्जी बनती है, तो उसकी वजह से मुझे छाछ लगती है, तो मैं लेके आ गई हूँ। और इस वक्त मेरे यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, तो वो टीना को नहला रही हैं और कपड़े वगैरह वो धो रही हैं। तो जब तक वो ये सब करेगी, खुद का नहाना और कपड़े वगैरह, तब तक मैं रोटी तो मैंने बना ली है, मैं सब्जी भी बना लूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्जी मेरी बन गई है और मैंने इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और मैं साथ साथ में किचन को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैसी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कुछ भी भरा भरा रहता है ना, मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो उसी की वजह से। तो मैंने किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है पहले, और अभी मैं जो सारे बर्तन हैं साथ साथ में, मैं उनको भी धोती जाऊँगी। क्योंकि कपड़े वगैरह काम कपड़े का काम तो सिस्टर कर रही हैं, तो उसने बोला कि मैं कर लेती हूँ, आप ये जो बाहर का खाने का काम है आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ, तुम वो कर लो। काम तो एक साथ तो सारे होते नहीं हैं, तो ऐसे ही हम मिल बांट के कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, और अभी आई है वो, 2-3 दिन हुए और मेरी काफ़ी हेल्प हो रही है, और बच्चों को संभालने में, स्कूल छोड़ने में, लाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। और उसी की वजह से मैंने इसको बुलाया है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, दोनों बच्चों को लेके जाना, वापस आना। और स्कूल है ना, ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है लेकिन ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ। तो उसी की वजह से मैंने सिस्टर को गाँव से बुलाया है, ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए बारिश बारिश के टाइम में। तो पता नहीं वो कितने दिन रुकेगी, क्योंकि उसका मूड ऐसे ही है, एक बार उसको मम्मी की याद आ जाती है ना, तो फिर वो नहीं रुकती है। पहले भी एक बार मेरे पास आ चुकी है, लेकिन उसको एकदम से ही मम्मी की याद आई थी और वो फिर निकल गई थी मेरे यहाँ से। तो बस देखते हैं वो कितने दिन रुकती है, जितने दिन हैं उतने दिन तो मेरी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं और किचन क्लीन कर लिया है, और अभी सारा काम हो गया है। इस वक्त खाना वगैरह भी हम लोगों ने बना लिया है, तो ये मेरा नहाना बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो मैं अभी पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं बेटी को स्कूल से लेके आऊँगी। मुझे बार बार ट्यूशन ही नाम आ रहा है, स्कूल नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वो ट्यूशन जाती थी ना, उसकी वजह से। तो मैं पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं स्कूल से लेके आ जाऊँगी, फिर हम सब साथ में खाना खाएँगे। और मेरे हस्बैंड को भी अभी तक टिफ़िन वो लेके नहीं गई है, क्योंकि अभी मुझे देने जाना पड़ेगा। अभी वो भी बोलते हैं कि ललिता यहाँ पे आई हुई है, तो अभी तुम्हें टाइम है, तुम देने आया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देने आ जाया करूँगी। तो चलिए मैं पोछा लगा देती हूँ।
और यहाँ पर मेरा घर का सारा काम हो चुका था और मैं रेडी हो गई हूँ नहा कर। तो अभी मैं जाऊँगी बड़ी वाली बेटी को स्कूल से लाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये खेल रही हैं, और इसको मैंने ऐसे बोला ना कि मैं दीदी को लेने जा रही हूँ तो ये रोने लगे है। इसको भी साथ में आना है, लेकिन मैं इसको लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छड़ना पड़ता है। मुझे फर्स्ट डे भी बुखार आ गया था रात को वापस, क्योंकि मैं कभी इतना चलती नहीं हूँ ना, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो उसी की वजह से। तो चलिए मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।